शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने आज शहर में करीब 2.5 करोड़ रुपए की 3 सड़कों का उद्घाटन किया। शहर विधायक सिंगल ने बताया कि शहर में चल रहे सीवर और पानी की लाइनों के कार्य के चलते क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का लगातार काम कराया जा रहा है, जिसके तहत आज अग्रसेन सर्किल दाऊदपुर क्षेत्र में 3 सड़कें जिसमें 1.25 करोड़ और 2.75 लाख रुपए से बनाई जा रही है। इस दौरान सभापति अशोक खन्ना, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने 1.25 करोड़ रुपए की एक सड़क जो अग्रसेन सर्किल से नमन होटल तक बनेगी, 55 लाख रुपए की दूसरी सड़क जो एनएबी शमशान वाले तिराए से मुंगसका के जो मेन रोड हमारा मिलता है दिल्ली रोड उस तक बनेगी, तीसरी सड़क हमारी दाऊदपुर फाटक से बड़ाया मेडिकल जो 60 फुट रोड को जोड़ती है, जो सड़क बहुत लंबे टाइम से खराब हो रही है, जिसमें सीवरेज और पानी की लाइन डलने के बाद से खुद के ये सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ये तीनों सड़कों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर के काम है। 1.25 करोड़ की एक है, 75 लाख की एक है। 75 लाख की ये सड़क है जो दाऊदपुर से चलेगी और बड़ाया मेडिकल तक आएगी। 75 लाख की है, 1.25 करोड़ की एक है और 55 लाख की एक है। तीनों सड़क मिलाकर 2.55 करोड़ रुपए की सड़कें हैं। हमने पूरे शहर में, क्योंकि पिछले दिनों पानी की और सीवरेज की लाइन डाली थी, उन पानी और सीवरेज की लाइन के बाद शहर में अधिकतम स्थानों पर सड़कें खुद गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही थी। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री जी, PWD मिनिस्टर साहब, UDH मिनिस्टर साहब, इन सबसे बातचीत करके हम लोगों ने ये जो सड़कें हैं इनको पूरी लिस्ट बनाकर, अभी भी हमारी करीब 35 से 40 सड़कें और जो कॉलोनी के अंदर बनाएंगे वो हमारी स्वीकृति में है। उनके काम भी हम इसी महीने, इसी जून में शुरू कर देंगे और मुझे लगता है जुलाई के एंड तक हम इन सारी सड़कों को बनाकर इस शहर को बिल्कुल नया स्वरूप दे देंगे। अलवर शहर को जैसे नया शहर बसाया जा रहा हो, जैसे नया डिस्ट्रिक्ट बनाओ, इस तरह से हम लोग पानी से, सीवरेज से, LED लाइट से, सड़कों से और दूसरे जो भी संसाधन हैं उन सब से इस तरह से सुविधायुक्त बना रहे हैं जैसा पहले कभी इतिहास में नहीं रहा। 1200 करोड़ रुपए से अधिक के काम इस पिछले 4.5 साल के मेरे कार्यकाल में हुए हैं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अलवर वासियों ने लगातार पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इन सब कामों को देखा है, कुछ असुविधा जब लोगों को हुई तो लोगों ने परेशानी अपनी व्यक्त भी की, लेकिन अब हमने लगभग सड़कें सारी बना दी है। अब इसके बाद कॉलोनीज के अंदर की सड़कों को बनाने का जो काम है उसको इसी जून माह में शुरू करेंगे और अलवर शहर को एक नया शहर बनाने का हमारा जो सपना था, जो काम हमने सोचा था, उसको करने में हम सफल हुए हैं। सभी अलवर वासियों को धन्यवाद देता हूं।